हेलो टेक्निकल गुरु जी, आप कैसे कर लेते हैं इतना कुछ और क्यों? और आपके भी बस आपसे इतना खुश हैं, आपको ये लगता है? हो सकता है आप अच्छा कर रहे हो, अच्छा वर्क कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो यूट्यूब पे, और अच्छे से आपके पास अच्छे सब्सक्राइबर भी हैं, अच्छे व्यूअर्स भी हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने व्यूअर्स के साथ कुछ भी कर सकते हैं। लोग आपकी वीडियो देखते हैं, और आपकी वीडियो देखने के बाद ही कोई नया स्मार्टफोन लॉन्च होता है, तो आपकी वीडियो देखने के बाद ही नया स्मार्टफोन लेने की बात करते हैं और नए स्मार्टफोन लेते हैं। लेकिन आप क्या करते हैं? आप सिर्फ उस फोन के सिर्फ फीचर बताएंगे, इसमें इतना कैमरा दिया गया, इतना फीचर दिया गया, इतना सेंसर दिया गया, इतना वो दिया गया, इतना दिया, फलाना ढिकाना करके इतना सिर्फ बताते हैं। लेकिन आज तक कभी आपने इस कभी किसी स्मार्टफोन के बारे में कुछ बताया है, ओरिजिनलिटी उसकी, किस फोन में खराबी है, वो खराबी है। इसी चक्कर में आपके व्यूवर्स आपके पास वीडियो देख करके आपके जाते हैं दुकान पे फोन लेने, या फिर ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, और इसी ऑर्डर के दौरान उन स्मार्टफोन में कुछ ऐसी खराबी हो जाती है जो उन फोनों के लेने के बाद वो आप ही के जो व्यूवर्स होते हैं वो पछताते हैं। और जाते हैं क्या बोलते हैं, सिर्फ इतना बोलते हैं कि उस बंदे का मैंने वीडियो देख करके क्यों स्मार्टफोन लिया। जाते हैं क्यों? क्योंकि लोग चाहते हैं कि आप पे विश्वास रखते हैं कि वो बंदा ओरिजिनलिटी बताया होगा, सही बताया होगा। हो सकता है इस फोन में खराबियां ना हो, इस फोन में अच्छे फीचर हो, लेकिन उस फीचर के नाम पे धब्बा होता है, और उस फीचर के नाम पर कोई भी एक्टिविटी नहीं मिलती है उस स्मार्टफोन में। ना ही वो इस फीचर में वो स्मार्टफोन अपडेट होता है, ना ही वो स्मार्टफोन उस फीचर के अंदर चलता है। बहुत सारे यूजर आए हैं, और हमारे पास भी वैसे कुछ कंप्लेन आई थी जो कि यूट्यूब के खिलाफ ही कंप्लेन आई थी। लोग कहते हैं यार, तुम लोग यूट्यूब पर वीडियो बनाते हो लेकिन बनाते क्या हो? मोबाइल का रिव्यू करते हैं, अनबॉक्सिंग करते हैं, मोबाइल के बताते हैं। अरे बोलते क्या घंटा बनाते हो यार तुम लोग, बताओ ऐसे वीडियो बनाते हो जो कि मोबाइल वीडियो। तो रिव्यू में तो बहुत सारे मैंने वीडियो देखे, और आप ही लोग वीडियो देख करके और वीडियो मोबाइल परचेस कर लेते हैं। लेकिन मोबाइल को पर तो परचेस कर लेते हैं, लेकिन मोबाइल लेने के बाद हम लोग पछताना पड़ता है कि हम लोगों के वीडियो देख कर मोबाइल परचेस कर लिए। लोग सिर्फ यूट्यूब पे सिर्फ फीचर बताने के लिए बैठे हुए हैं। आज तक किसी ने कभी अच्छे से स्मार्टफोन की किसी की फ़ोन की उसकी खराबियाँ नहीं बताई। खासकर टेक्निकल गुरु जी से मैं यही कहूँगा कि अगर अपने स्मार्टफोन की अगर खराबियां नहीं आता तो फीचर ही बताने का कोई हक नहीं आया। फीचर बताते हो किस लिए? आपको पैसे मिलते हैं, फीचर कंपनियां आपको स्मार्टफोन देती है अनबॉक्सिंग के लिए, गिवे के लिए, यार कब तक चलेगा ये सब? लोग जनता आज की डेट में जागरूक हो चुकी है गुरु जी, और लोग चाहती है कि फीचर के साथ साथ उनके यूनिक खराबियां ही बताए, ताकि आने वाले दिनों में जो बंदा स्मार्टफोन ले, ताकि अच्छे तरीके से फोन को कंपेयर करके अच्छे समझ ले कि इस फोन में इतनी खराबियां भी है, ये अच्छा वर्क नहीं करता है, अच्छा वर्क करता है, हमें कौन सा चाहिए कौन सा नहीं लेना चाहिए। लेकिन लोगों को यहाँ पे आप क्या करते हैं कि आप किसी फोन की फीचर दिए कि इतना क्वालिटी है ना, बिल्ड क्वालिटी है, बढ़िया क्वालिटी है, इसमें अच्छा सेंसर दिया, इसमें डिस्प्ले दिया, इतना बैटरी दिए, इतने स्मार्टफोन में सस्ते स्मार्टफोन में क्या चीज़ नहीं मिलता है। लेकिन दोस्तों, मैं यहाँ पे कुछ फोन के नाम भी लेना चाहूंगा जो कि ऐसे फोन है जिनमें की फीचर की बात करें तो फीचर के नाम पे 0% फीचर दिया गया है। अभी कुछ दिन पहले ही कुछ ऐसे स्मार्टफोन लॉन्च हुए थे जिनमें गुरुजी ने बहुत अच्छे से बता दिया कि इसमें ये फीचर्स हैं, और ये फीचर्स के ये फोन लेने लायक है या फिर ये है, इतने बजट फोन में है, आपके लिए अच्छे ही होंगे। लेकिन गुरुजी ने ये बताया कि इस फोन में क्या क्या खराबियां भी आ सकती हैं, कितने दिनों का इसकी वैलिडिटी क्या है। लेकिन इन्होंने सिर्फ इतना सोचा है कि इनके बड़े घराने से लेकर के छुटे रहते लोग इतने, लेकिन यहाँ पे लोग, मैं बता दूँ कि यहाँ पे गुरु जी कहीं ना कहीं गलती करते हैं, जो कि अपने व्यूअर्स को नज़रअंदाज करके वो सिर्फ अपने अपने को करते हैं। लेकिन गुरु जी, मैं आपको बता दूं कि ये आप गलत कर रहे हैं। यहाँ पे लोग आपको ये वीडियो को देख करके, आपके स्मार्टफोन को देख करके आपके फीचर्स को सुन लेते हैं, लेकिन वहाँ से आप फोन को परचेस करते हैं, लेकिन आने दिनों में उनकी खराबियाँ निकलती है जो कि आप ही को चार बार सुनाते हैं। लेकिन ऐसे में हमारे साथ भी कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि आपके स्मार्टफोन को देखते हैं, तो मैं भी आपका स्मार्टफोन ही देखता हूँ, आपके वीडियोज भी देखता हूँ। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे लोग ने कंप्लेन भी किया गया, वो फलाना आदमी है जो कि वीडियो बता, लेकिन उसके वीडियो से देखने के बाद मैंने दो चार फोन लिया कि उस फोन में कोई भी फीचर्स अच्छे दिखने को नहीं मिले, और आज फोन हैक कर रहा है, ना ही कोई सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिल रहा है उसमें, और ना ही उस फोन में कभी आज तक प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। तो मैं अपने व्यूवर से और आप व्यूवर से यही संवेदना करूंगा कि गुरु जी प्लीज़, आप ऐसी वीडियोस पे, ऐसे स्मार्टफोनों पे अपना राय जब देते हैं, तो उस स्मार्टफोनों की उसके अन्य फीचर्स के बारे में ही बताएं जो कि आने वाले दिनों में आपके व्यूवर्स या फिर किसी के व्यूवर्स हो, ताकि आप जब भी स्मार्टफोन लेना जाए तो बारीकी तरीके से उस पर कंपेयर कर सके एक दूसरे से, ताकि वो अपने सही डिसीजन ले सके नया स्मार्टफोन लेने के लिए, ना कि एक स्मार्टफोन का फीचर देकर के उस स्मार्टफोन को ले सके। तो गुरु जी प्लीज़ ऐसा ना करें, और मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा आप सब लोगों से। बस इतना ही, थैंक
फिर मिलते हैं किसी नए एक्सपोजर वीडियो।